नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्रेशन है राजस्थान पत्र का संपादकीय पर्यटन के पटरी पर लौटने की उम्मीद, दिनांक 29 जून 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। पर्यटन को पंख लगाने के साथ समाज के अलग अलग क्षेत्रों में छाई आर्थिक मंदी दूर हुए बिना देश की आर्थिक हालत पटरी पर आने की उम्मीद कम लगती है। 15 महीने से कोरोना महामारी के चलते आर्थिक सेहत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज का ऐलान स्वागत योग्य है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के इरादे से की गई घोषणाओं में कुछ घोषणाएं नई है तो कुछ पुरानी घोषणाओं का विस्तार है। स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर लड़खड़ाते पर्यटन उद्योग में नई जान फूंकने के लिए अनेक तरह से सहायता देने की कोशिश की गई है। कोरोना से प्रभावित अलग अलग क्षेत्रों के लिए गारंटी स्कीम के जरिए आमजन का मनोबल बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं। पैरा, सरकार ने इस पैकेज में ब्याज दरों को तर्कसंगत रखने पर जोर दिया है। छोटे कारोबारियों को 1,25,000 रुपए तक का कर्ज उनकी आर्थिक हालत को सुधारने में मददगार साबित होगा। नए राहत पैकेज में किसानों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार समय की मांग है। पर्यटन क्षेत्र के लिए लंबे समय से राहत पैकेज की मांग की जा रही थी। देश के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 10% है। देश में हर साल आने वाले 1 करोड़ पर्यटक आर्थिक प्रगति में बड़े सहायक होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले 5,00,000 विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। इस कदम के व्यापक असर दिखने की पूरी उम्मीद है। टूरिस्ट गाइड को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ऋण देने से इस क्षेत्र को नई जान मिलेगी। विराम, कोरोना की सबसे अधिक मार पर्यटन क्षेत्र को ही झेलनी पड़ी है। इससे पहले भी सरकार अलग अलग क्षेत्रों के लिए 2,000,000,000 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर चुकी है। देश की ज़रूरतों को देखते हुए इसमें आमजन को निश्चित रूप से कुछ मदद भी मिली। इससे पहले दिए गए पैकेज में MSME सेक्टर का खास ध्यान रखा गया था। विराम, सरकार ने ध्यान रखा था कि इस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार पैदा होते हैं और कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की ही सामने आने वाली है। सरकार के उस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में मुफ्त खाद्यान्न रक्षा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जैसे उपाय शामिल थे और सबसे
खास बात यह थी कि मोदी सरकार ने इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में देश को सकल घरेलू उत्पाद का 10% आवंटित करने का वादा किया था। विराम, उम्मीद है कि भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे भी उचित कदम उठाती रहेगी। पूर्ण विराम।